अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं उर्दू की, जो कि क्लास 9th का आज पेपर हुआ है। अगर आप लोग सबसे पहले जो अखलाक का एक दकीक नुक्ता है ये पैराग्राफ देखते हो, तो एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ आप लोगों को मैंने बताया था मॉडल पेपर में एज इट इज़ था। और अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो आप वो भी देख सकते हो कि तकरीबन सेम ही है। तो इसमें अगेन अखलाक का पहला जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर है कि अखलाक का दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत के साथ पाबंदी करे वगैरह 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 करके सरज़र्द हो नहीं सकती। यहाँ तक आप लोग इसको लिख सकते थे। अच्छा, अगर हम आगे आएँ तो मदावत अमल या इस्तकामत हाल का मफहूम बयान करें तो इसमें ये देखो इसी चीज़ का नाम क्या है, ये तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है, तो ये पीछे से आप इसको कंटिन्यू करके आ सकते थे। इसके बाद सुन्नत से मुराद कौन सा फेल है। ओहो, ये 5x पे किधर चला गया। अच्छा जी, एक तो फोकस आज नहीं हो रहा, असल में मौसम थोड़ा ख़राब है, अभी लॉक कर दिए। तो सुन्नत से मुराद कौन सा फेल है, सुन्नत वो फेल है जिस पर ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, नज़र आ गया उम्मीद है आप लोगों को। तो यहाँ से लेकर नीचे तक जहाँ तक भी आप इसको लिख सकते थे। अच्छा चलो आगे देखते हैं कि आपलम ख़तम नबीन के इबादतों अमाल के मतलब एक शख्स ने हज़रत आयशा से क्या दरियाफ़्त फरमाया। तो एक दफ़ा यहाँ से इसका जवाब है, एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत आयशा से दरियाफ़्त फरमाया। अच्छा, उसके बाद बाकी जवाब आप लोगों को पता है, बस मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, इनको देख लो। उसके बाद हमारे पास जो है हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत अमल के क्या जवाब दिया। तो जवाब वो दिया कि दरियाफ़्त उन्होंने ये ऊपर फरमाया था, तो ये उन्होंने जवाब दिया ला काना अमला देता। अब इस पे ज़बर ज़ेर का मुझे नहीं पता, नहीं पड़ी तो बस इसे गलत मैं ना इसको पढ़ दूँ, तो इसको देख लेना है आप लोगों ने। तो ये सारा इसका जवाब था, आगे इसको थोड़ा बहुत इसकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने लिखनी थी, यहाँ तक पाबंदी की तक। तो उसके बाद अगर हम दोबारा क्वेश्चंस पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा आगे जवाब आया, मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है। तो मुसन्निफ़ ने ये लिखा है जो आखिरी लाइन है, आप नरम मिजाज वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मरकज़ी ख्याल लिखना था आपने, चार मरकबात लिखने थे और मुनासिब अनवान देना था, अनवान वही आप की हयात या कुछ इस तरह लिख सकते थे। अच्छा, शाह बरीदा वाली आप लोगों को मैंने बताई थी सवाल के जवाब। और उसके बाद तो वाह चल रही है, मौसम बड़ा मज़े का है और उम्मीद है आप लोगों का पेपर भी बड़े मज़े का हुआ होगा। अच्छा, पढ़ी जो महर की नज़र ओस बन गई गहर, ये पता नहीं कहाँ से आया। गम गुस्सा और रंजो अंदरो हरमा ये भी बताया था। उसके बाद कामिल है ये भी बताया था, और ये आखिरी दूसरा और पांचवा आई थिंक सो ये नहीं बताए थे। चलो इनको देख लेते हैं इनके। भाई सबर सबर, पेपर वीडियो बना लूँ फिर उड़ जाना जहाँ मर्जी जाना। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है शाख़ बरीदा से क्या सबक हासिल करना है, बावला शेर नंबर एक। तो शाख़ बरीदा मतलब टूटी हुई शाख होती है, उसे सबक हासिल करके वो जब टूट जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को आपस में जुड़ के रहना चाहिए और फ़िरका वारियत में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें आप लोग ये भी लिख सकते थे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरका वारियत में ना पड़ो। मेहर की नज़र से क्या मुराद है, मेहर की नज़र ने क्या कमाल किया। तो जब मेहर की नज़र पड़ी तो क्या बन गई, ओस बन गई गहर। अच्छा, उसके बाद तीसरे शेर का मफहूम लिखें तो तीसरे शेर क्या है, कामिल है जो अजल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अब तक वो है जलाल तेरा। तो इसमें यही है कि अल्लाह ताला की जो है वो पहले दिन से उसकी कुदरत है, वो पहले दिन से एग्जिस्ट कर रहा है, यही उसका कमाल है, और जो आखिर तक वो रहेगा उसका वो क्या है, जलाल है। तो इसमें आप लोग यही लिख सकते हो कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो हमेशा रहने वाला है, और बहुत सारी चीज़ों में उसकी कुदरत के मज़ाहिर नज़र आते हैं, यही उसका कमाल है। और
खुदा का जो जलाल है वो क़यामत तक रहेगा। अच्छा, शेर नंबर 4 में किसने अपने आप को मेहरबान कहा है? तो किधर गया शेर नंबर 4? यहाँ पे शायर ने अपने आप को मेहरबान कहा है। गमो गुस्सा रंजो अंदरो अरमा मारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। अच्छा, किसको अपना मेहरबान कहा है? तो उसने अपने महबूब को अपना मेहरबान कहा है, और किसको कहा है? गमो गुस्सा रंजो अंदरो हरमा। उसके बाद शायर को दश्त देखकर घर क्यों याद आया? क्योंकि वहाँ पे वीरानी थी, इसलिए घर की उसको रौनकें वगैरह याद आ गई। तो एक्यूरेट आंसर नहीं है, मैं अपने उससे बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसमें जो भी लिखा है वो भी ठीक है। उसके बाद शायर को अपने घर और दश्त से क्या मुशाबत नज़र आई? वही मुशाबत नज़र आई कि दश्त में, अच्छा, कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देख कर के घर याद आया। मतलब उसका जो घर है यहाँ पे, जो इस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में है, उसका जो घर है उसमें भी वीरानी होती है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता, और दश्त भी वीरान था। तो आपस में वो दोनों एक दूसरे को, उसको मुशाबत नज़र आई कि मेरा घर भी इसी तरह का है, इस और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। असल में ये नज़म मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, इसलिए ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसके घर में रौनक थी, घर में वैसे रौनक होती है, मैंने वो बोला है शायर के घर में रौनक नहीं थी। तो यहाँ पर इस जो शेर है इसमें मैंने शायर के घर का बताया है, तो इसको आप लोगों ने वो उस मतलब में नहीं ले लेना। तो इसको मैं क्लिप में लगा देता हूँ। अच्छा, इसाए कवायद में वही तशबी इस्तारा बताया था, तरकीब नवी बताई हुई थी, मजाज मरसल बताया हुआ था, गज़ल बताया हुआ था, और मुसद्दस वगैरह वाला और मुहम्मस वगैरह वाला बताया था। इबारत कौन सी आई है जी? ये पता नहीं कहाँ से इबारत आई है इसकी, आप लोगों ने वो लिखनी थी। वो फिर 5x पे चला गया ये जूम। वैसे इसका जूम ठीक है यार, 5x पे 10x पे करते हैं, क्या चक्कर है? वाओ, 10x पे भी नज़र आ रहा है सही क्लियर। एक मिनट फोकस करूं, नाइस। 3x पे भी सही है। चलो वापस औकात पे आते हैं, 1x पे। अच्छा जी, ये हज़रत यूसुफ़ वाला कहीं से आ गया था, और उसके बाद सोशल मीडिया वाला हमारे पास ये इम्पोर्टेंट था, मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेन आप लोगों ने इनकी तशरीह करनी थी। खुदाया, ये फिर 5x पे चला जाता है। असल में दूसरा मोबाइल है, नया लिया है, तो इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, मतलब सेटिंग समझने में टाइम लगेगा, ख़राब नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर नज़मियाँ जो जुज़ू हैं उनकी आप लोगों ने तशरीह करनी थी। जहाँ पे बरसात की बहारें आप लोगों को बताई थी, दूसरा जो सीधी बात है नहीं बताई थी, बरसात की बहारें आ गई है, और उसके बाद हमारे पास इस बार हमद और जो वो नात जो थी उस आप लोगों की बुक से वो नहीं आई, तो इसमें ये आ गई है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये मैंने आप लोगों को साथ बताई थी। तो गज़लिया जुजू के जो तशरी थी, जानता हूँ ता तो सवाब ज़ायदी हमने की थी, और अगेन खंडर की आप बीती भी मॉडल पेपर में आप लोगों को दिखाई थी, योम इकबाल भी दिखाया हुआ था, और मुकालमे भी आप लोगों को ये सारे दिखाए थे। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। ये पेपर 24002B पार्ट है, और आप लोगों ने कैसा पेपर किया है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये फिर एक्स पे चला गया। अच्छा, चलो सही है, अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।